टीम इंडिया ने श्रीलंका को निदहास ट्रॉफी के चौथे मैच में 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ टीम इंडिया T20 त्रिकोणीय सीरीज के अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। इस मैच में जहां बल्लेबाजी में कार्तिक और मनीष पांडे हीरो रहे, तो वहीं गेंदबाजी में युवा गेंदबाज शरदुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। मैच के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि गेंदबाजों के दम पर टीम इंडिया ने मैच जीता। मैच के बाद रोहित शर्मा ने कहा, मैच में हमारा प्रदर्शन काफी शानदार रहा, खासकर गेंदबाजी के दृष्टिकोण से टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। हालांकि बॉलर के लिए उतना अच्छा माहौल नहीं था, ना पेसर्स के लिए और ना ही स्पिनर्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी गेंदबाजों ने अपना बेस्ट दिया। गेंदबाज अपने आइडिया और प्लान को सफल बनाने में कामयाब रहे। टीम इंडिया की तरफ से अच्छी गेंदबाजी शरदुल ठाकुर ने की। उन्होंने 27 रन देकर 4 विकेट चटकाए। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। आपको बता दें, टीम इंडिया के इस मैच को जीतने के बाद इस सीरीज के फाइनल में पहुंचने के आसार बढ़ गए हैं और टीम इंडिया का अब अगला मुकाबला बुधवार को बांग्लादेश के साथ होगा। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।